जगदीश ठाकुर की माने आप कहेंगे कौन जगदीश ठाकुर, तो ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस की पूरी कमान गुजरात की उनके हाथों में, वहां के अध्यक्ष है। तो अभय जी मुझे ये बताइए, आप कुछ और कह रहे हैं और वहां कुछ और कहा जा रहा है, बस एक बात बोलिए ना, पहला हक किसका है, माइनॉरिटी का है कि नहीं है, खत्म कीजिए इस बात को आज बताकर। चलिए, आप एक मूर्धन्य और निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप ही बताइएगा, देश के सम्मुख में तथ्य रखता हूं कि पहला हक किसका दिया कांग्रेस पार्टी ने, जब 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार का कानून हमने बनाकर सौंप दिया, जिसको मोदी जी ने 3 अध्यादेश लाकर पलटने की कोशिश की, जिसमें 95% हिंदू किसान थे, तो देश के लोग बताइए कि ये पहला हक किसका था। मनरेगा, आप मुझे बोलने तो दीजिए। अरे मैंने आपको सबसे पहले, तो मैंने आप ही को मौका दिया। आप कहें तो डिबेट में बोलो। नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हैं किसानों का हक पहले, तो मुझे बोलने, तो फिर ये बताइए आप अपने तथ्य रखिए। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजक 10 करोड़ आदिवासियों को वन का आजीविका का अधिकार दिया, उसमें सारे के सारे हिंदू समुदाय के बरगलाने नहीं, वो हक किसको दिया मनमोहन सिंह जी ने? 15 करोड़ लोगों को ये बरगला रहे, आप क्या बात करती है? मैं हिंदू आबादी के हित की बात करता हूँ, आप कहती बरगला आप रही है किसानों के लिए, बरगला भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मनमोहन सिंह ने जिस तरीके के हालात हिंदुस्तान के थे आदिवासियों के लिए किया, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। नहीं, मैं सबके लिए थैंक यू, आदिवासियों के लिए किया उसके लिए थैंक यू, सॉरी कहिए, बच्चों के लिए, बच्चों के शिक्षा का अधिकार, सॉरी कहिए जगदीश ठाकुर के बयान के लिए, जिसमें 90% सर मेरा दिल बड़ा है, देश के लिए जिसने अच्छा किया उसको मैं सर झुकाकर थैंक यू कहूंगी, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, आप आई एम सॉरी कहिए जगदीश ठाकुर के बयान के लिए, 90% हिंदू थे, अभय दुबे जी उसके लिए धन्यवाद कहिए, मनमोहन सिंह जी दे दिया, आप माफी मांगेंगे आजाद भारत में 6,64,000 करोड़ गांव थे, आप बयान के लिए माफी मांगेंगे, माफी कैसी किसी को, जगदीश ठाकुर के बयान के लिए आप माफी मांगेंगे, देश को सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंकने के लिए, सांप्रदायिक उन्माद मैं झोंक रही हूं, उन्माद मचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जगदीश ठाकुर मैं हूं, और क्या कर रही हैं आप जगदीश ठाकुर, अरे हर रोज आप डिबेट बंटवारे की करती हैं, आप विकास की करिए ना, एक बार पूछिए ना मोदी सरकार से कि 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल कर दिया, उस पर बहस क्यों नहीं कराती, वो 90% हिंदुओं का हक नहीं मारा जा रहा है, 200 रुपए पार खाने का तेल और दाल कर दी मोदी सरकार ने, वो किसके लिए की, क्या 90% हिंदू उससे प्रभावित नहीं हो रहे, क्या बात करती है आप, इस खबर को बताइए कि कौन है वो तेल के व्यापारी, कौन दो बड़े लोग हैं, पहला हक माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है, तो मैं ये खबर क्यों छुपाऊं, और 200 रुपए पार तेल पहुंच गया, क्यों छुपाऊं, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर दिया, अरे पेट्रोल और डीजल पर 2 दिन पहले मैंने डिबेट की है, मुझे मत आप यहाँ पर, आप मुझे सबक मत दीजिए, आलोक शर्मा आए हुए थे, आप अपने साथी को पूछ लीजिएगा, बिल्कुल सबक दूंगा, नहीं नहीं देश सबक, आप सबक जगदीश ठाकुर को दीजिए, रोज इस बात का, अरे आप जस्टिफाई करती हैं, को सबक दीजिए, जिस प्रकार क्या जगदीश ठाकुर और मनमोहन सिंह जी की बात करती हैं, नहीं करूं जगदीश ठाकुर की बात, जो विकास की बुनियाद हिंदुस्तान की रखी है, मनमोहन सिंह जी को थैंक यू बोलिए, इतिहास याद रखेगा, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरा नाम इतिहास में दर्ज रहेगा, जगदीश ठाकुर की बात कीजिए, नहीं आप रोज भाजपा को थैंक यू बोलती है डिबेट में, उस बात का आपको भाजपा से काहे तकलीफ हो रही है, आप मुझे बताइए, मैंने भाजपा का जिक्र भी नहीं किया, अगर हक देना, आपके मन में भाजपा क्यों बैठ गई है, मैं तो जगदीश ठाकुर की बात कर रही हूँ, मैं मनमोहन सिंह की बात कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी, हिंदुस्तान की तिजोरी की बात कर रही हूँ, आपको भाजपा क्यों दिखाई दे रही है, अभी क्यों दिखाई दे रही है भाजपा, भी जगदीश ठाकुर भाजपा के एजेंट है, रूबिका लियाका जी, अरे किसी को हक प्रदान कर देना एजेंट हो गया, क्या बात करती हैं आप, जगदीश ठाकुर जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, अभय दुबे हो, समूची कांग्रेस, हमने तो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार के लोगों को हक प्रदान करने की, जो उनके खेल में फंस रहे हैं, उनके जैसा बयान दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे कह रहे हैं रूबिका जी, अपने नेताओं पर लगाम लगाइए नहीं, रूबिका लियाकत जो है वो खबर ना दिखाए, वो हुंकार ना भरे इतने बड़े बयान पर, आप आँख बंद कर दे, आप पेट्रोल डीजल के दाम पर लगाम लगाने की बात कीजिए, प्रभु मैंने डिबेट किया है, बड़ी आबादी, ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ, अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब,
मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमंत दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।